नई दिल्ली अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के स्पीकर हॉल में हुई, जिसमें संगठन विस्तार, समाज जो स्थान, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने एवं राजनीतिक दलों में गुर्जर समाज की अनदेखी होने पर पुरजोर विरोध कर समाज द्वारा राजनीतिक दलों को उचित जवाब देने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। शनिवार को सर्वप्रथम भगवान देव नारायण की प्रतिमा के सम्मुख अतिथियों सहित राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक पुरुषोत्तम पाटिल ने संगठन की कार्ययोजनाओं और गतिविधियों पर प्रकाश डालते हुए संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बच्चू सिंह बैसला ने संगठन की गतिविधियों की जानकारी देते हुए संगठन विस्तार, समाज उत्थान, समाज की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति सहित समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने की अपील की। नवनियुक्त युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष सुंदर चौधरी ने राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए राष्ट्रीय व्यापारी गुर्जर चेतना यात्रा निकालने की घोषणा की। महिला इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु चौधरी ने कहा कि भारत के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों एवं राज्यों के विधानसभा क्षेत्रों की गुर्जर बहुमूल्य सीटों के आरक्षित कोटे को समाप्त कर आगामी नए परिसीमन से गुर्जर बहुमूल्य सीटों को बहाल कराने आदि। क्योंकि जिस भी स्थान पर आप बैठे हो, जिस कार्यक्रम में बैठे हो, अपने समाज की भागीदारी पता रहनी चाहिए, उसके लिए मन से भावना आनी चाहिए। जब हम आत्मा से बोलते हैं ना, किसी चीज का जयकारा लगाते हैं, इसलिए प्रभु के मंदिर में घुसने से पहले हम दो तीन बारी जयकारा लगाते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा तक जोड़ जाती है कि हम जहां बैठे हैं उसके लिए पूरा निष्ठा भावना से उसका, उस समाज का और उस प्रभु के द्वार का साथ है। इसलिए आज के सुंदर भव्य गुर्जर महासभा के कार्यक्रम में आप सब लोगों का धन्यवाद करती हूँ। यहाँ पर आए अभिनंदन करती हूँ, नंदन करती हूँ। अपने समाज के प्रतिष्ठित लोगों का बहुत बहुत सिर झुकाकर अभिनंदन करती हूँ। इस मंच पर विराजमान, आवाज धीमे, मैं थोड़ा ज्यादा बोलना, जोर से बोलना पड़ रहा है, थोड़ा माइक वाले पे ही भैया इसको आवाज को तेज करो। पाटिल जी का बहुत बहुत, उन्होंने समाज को, उनके परिवार ने समाज के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, योगदान दिए हैं। सिर झुकाकर नमन करती हूँ। दिल्ली की भूमि पर आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। इस मंच पर विराजमान गोपीचंद गुर्जर जी, जिनसे ये गुर्जर महासभा चलती है और चली है, और मगर बूढ़े कंधे हो गए हैं, आप भी इतना दम है कि इसको आज तक चलाने का दम रखते हैं। इस मंच पर विराजमान अच्छे वक्ता, एक दूसरे को साथ लेते हुए गुर्जर समाज को आगे बढ़ाते हुए, और हर एक मंत्रालय में और हर एक जगह पहचान रखने वाले, और इस समाज को आगे और इस गुर्जर महासभा को दोबारा प्राण प्रतिष्ठा करवाने वाले बच्चू सिंह गुर्जर जी का दिल्ली की भूमि में सर झुकाकर। राष्ट्रीय संगठन महासचिव अखिल भारतीय गुर्जर महासभा, आप ये बताइए, जिस तरह की ये महासभा करते हैं आप, मीडिया स्तर पर ये लोग करते आ रहे हैं, तो आज आप राजधानी दिल्ली में आए हैं, तो इसका क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा 1908 की संस्था है। पूरे भारतवर्ष के जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, आसाम से गुजरात तक, इस पूरे प्रदेशों की इसमें इकाई बनी हुई है। पूरा गुलदस्ता है ये पूरे भारत का, जहां हमारे हिंदुस्तान के हर राज्य का प्रदेश अध्यक्ष, वहां की महिला प्रदेश अध्यक्ष, वहां की युवा इकाई, पूरी टीम हमारी यहां पर सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व के रूप में विराजमान है। और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का ये सम्मेलन नहीं है, ये राष्ट्रीय कार्य समिति है, और राष्ट्रीय कार्य समिति में केवल अपेक्षित व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, या प्रदेशों के अध्यक्ष हैं, या प्रदेशों के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, या महामंत्री हैं, केवल हमने उन्हीं अपेक्षित लोगों को राष्ट्रीय कार्य समिति में शामिल किया है। और राष्ट्रीय कार्य समिति का जो विषय की बात आती है, तो विषय हमारा पूरे भारत के इसमें एजेंडे हैं, जिसमें आप चाहे गुर्जर रेजिमेंट की बात हो, चाहे भारत निर्वाचन आयोग को हम शीघ्र ही एक ज्ञापन डेलीगेशन देके, हमने जो पूरे भारतवर्ष में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र जो हमारे रिजर्व कर रखे हैं, जो हमारे बाहुल्य हैं, उनको हमें ओपन कराने के लिए बात हो, बहुत सारे बिंदु हमारे देश भर के विषय हैं, जो हमारे 14 बिंदु हैं, जिसकी प्रेस विज्ञप्ति की कॉपी आपको मिल गई होगी, उसमें सारे बिंदु हमारे तय हैं, उन सब पर बात हो रही है। साथ में हमारी राजनीतिक दलों में जो कि जितनी हमारी संख्या है, जितनी हमारी जिसकी जिसकी भागीदारी, जितनी उसकी हिस्सेदारी वाली जो बात आती है,
उस लाइन पर हम जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक हम जो संख्या बल के हिसाब से हैं, हमारे प्रतिनिधित्व पर राजनीतिक दलों को भी हम चेताना चाहते हैं कि वो समय रहते हुए हमारे लोगों को सही जगह पर उनका मुकाम और उनकी जो हिस्सेदारी बनती है उसमें शामिल करें, अन्यथा उन राजनीतिक दलों को आपका जो है वहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे गंभीर विषय हैं पूरे देश भर के जिनकी सूची में हमने बनाई है, वो पूरी राष्ट्रीय कार्यसमिति हुई, क्योंकि पहला सत्र चल रहा है और दूसरा सत्र और तृतीय सत्र अभी हमारे आने वाले हैं, तो इसी कार्यक्रम के तहत हमने ये राष्ट्रीय कार्यसमिति रखी है। इसमें पूरे राष्ट्रीय एजेंडों के विषय का और उसी राति पर जो राष्ट्रीय समिति के जो विषय बिंदु हैं उसके आधार पर पूरे देश में इन्हीं के हमारी हर प्रदेश में उसको कार्य क्रियान्वित करने का धरातल पर आगे आज के अगले दिन से ही चालू हो जाएगा हर प्रदेश में क्रियान्वित। मैं सुंदर चौधरी, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मूलतः हरियाणा से आता हूँ, जिला महेंद्रगढ़ के अंदर नांगल चौधरी विधानसभा। सुंदर जी, ये बताइए कि गुर्जर समाज जो अपने आप में एक ताकतवर समाज है, आर्थिक रूप से मजबूत है, भौगोलिक दृष्टि से मजबूत है, किसी क्षेत्र में मजबूती है, तो ऐसा आपको नहीं लगता कहाँ कहीं ना कहीं कोई चूक हुई है जो राजनीतिक समीकरण करें, आपके पार्षदों को करें, विधायक को करें, सांसद को करें, या इवन उसमें मंत्री भी शामिल है, तो उनकी बहुत संख्या कम है, तो इसमें कहाँ चूक रही है? अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का, मैं युवा इकाई का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और अखिल भारतीय गुर्जर महासभा सन 1908 से ये सभा है, और समाज को एकत्रित करने के लिए, और ये सभा हमारे अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ती है। जो विषय आपने उठाया उस विषय पे मैं आपको बता दूंगी, हमारी महासभा के बैनर के नीचे हम समाज के अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, किसी भी सरकार से हमने लड़ाई लड़ने में हम पीछे नहीं हटे, और हमारे इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व के अंदर माननीय पुरुषोत्तम पाटिल जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर और हिमाचल में गुर्जरों को जो SC का दर्जा दिया गया है हिमाचल के अंदर, उस जम्मू कश्मीर के अंदर श्रीनगर के अंदर जो गुर्जरों को SC का दर्जा दिया था, उसकी लड़ाई इसी महासभा के बैनर के नीचे लड़ी थी और उनको इसका हक दिलाया गया था। और ये महासभा जो कार्य करती है इसी हक के लिए करती है कि उन्हें हमें हमारे जितनी हमारी भागीदारी है समाज के अंदर, जितनी हमारी संख्या है उस हिसाब से हमारी भागीदारी तय हो, उसके लिए हम समाज के हक की हम लड़ाई लड़ते हैं। और जो सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई भी संगठन हो, जो भी संगठन, चाहे भाजपा, कांग्रेस, अन्य कोई भी दल हो, जो हमारे समाज को उपेक्षित करेगा, जो उनको स्थान नहीं रखेगा, उनका ये बहिष्कार करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। मैंने ये बताइए, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा है, ये दिल्ली में जो अपना कार्यक्रम करने जा रहे हैं, आप भारत स्तर पर कार्यक्रम इस तरह के आयोजित करते जा रहे हैं गुर्जर समाज के, जो आपने 14 बिंदुओं पर जो आपने बनाए हैं, जो उसमें आप भारत सरकार से मांग कर रहे हैं और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं, उनमें किस तरह की मांगे जो विशेषकर आप लोग उसमें मांग कर रहे हैं? ये गुर्जर महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी है, आगे आने वाले अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, आगे उसमें भागीदारी लेने के लिए, समाज में और शिक्षा में और आगे बढ़ने के लिए, तरक्की के लिए आज हमने कार्यक्रम रखा है, और अनेक अनेक राज्यों में कार्यक्रम रखते हैं। पिछली कार्यकारिणी हमारी इंदौर में थी, उससे पहली वाली महाराष्ट्र में थी, अब दिल्ली में रखी गई है, तो एकजुट होकर जो हमें सरकार से मांग करनी है उसके विषय पर मांग। मैम, आप भाजपा पार्टी से आप संबंध रखते हैं और केंद्र में भाजपा है और कई राज्यों में भी भाजपा है, तो आपको लगता है कि गुर्जर समाज का जो हित है और जो आपकी भागीदारी है संख्या के आधार पर, वो उसको आप जल्दी निपटारा उसको कर पाएंगे, अपनी बातों को मंगवा पाएंगे? मेरे समाज में भागीदारी मेरी अलग है और संगठन में भागीदारी अलग है। समाज के लिए मेरा दायित्व अलग बनता है और संगठन के लिए दायित्व अलग बनता है। जिस भी दायित्व पे खड़ी होंगी उसको बखूबी निभाऊंगी और जो अपने समाज के लिए कर पाऊंगी उसको आगे करूंगी, क्योंकि इंसान की पहचान अपने समाज से होती है, उस समाज को आगे बढ़ना चाहूँगी। नहीं, मेरा प्रश्न है कि जो राजनीतिक दृष्टिकोण है, जो भागीदारी है, गुर्जर समाज इतना आर्थिक स्थिति में मजबूत है, कृषि क्षेत्र में मजबूत है, हर चीज़ में मजबूत है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति से वंचित है, जो पद हैं उनसे वंचित है, तो इसकी लड़ाई के लिए क्या आप सड़कों पर उतरेंगे? नहीं, सड़कों पर यहाँ शांति से जो मांग सके इसको पार्लियामेंट क्वेश्चन भी बनवाएंगे क्या अपनी मांगों को?